हेलो शार्क्स, मेरा नाम प्रवीण है। मैं शनमुख हूँ। मैं सत्यम हूँ और हम बैंगलोर से आए हैं और हम टू हैंड्स के फाउंडर्स हैं। हमारी आस्क है 55 लाख रुपीज फॉर 1% इक्विटी। शार्क्स, 2015 से आज टाइम बहुत कुछ बदल चुका है। आज UPI के जमाने में आप 2 रुपए की चॉकलेट भी अपने पसंदीदा UPI ऐप से पेमेंट करके लेते हैं। आज शॉपकीपर्स के पास मल्टीपल QR कोड्स लगे होते हैं, उनके पास कार्ड मशीन लगी होती है। आज भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं और कुछ ट्रांजेक्शन तो आज भी उधार में होते हैं। तो शार्क्स, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो शॉपकीपर्स हैं, इन लोग के पास कोई ईजी तरीका नहीं है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। आज बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में मदद करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो मोबाइल होता है वो हमेशा काउंटर पे नहीं होता है, वो हमेशा उनके पॉकेट में होता है या कहीं कहीं रखा होता है, चार्जिंग पे लगा होता है। तो उनको हर बार फोन निकालना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, अनलॉक करना पड़ता है, ऐप ओपन करना पड़ता है, ऐप में टाइप करना पड़ता है और रिकॉर्ड करना पड़ता है। हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखा कि हर शॉपकीपर्स एक चीज़ यूज़ करते हैं जो कि है नॉर्मल कैलकुलेटर्स। इस तरीके के कैलकुलेटर हर दुकान पर लगे होते हैं, तो हमें एक आइडिया आया कि क्यों ना इसी कैलकुलेटर के अंदर वो अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाएं एज अ सेल्स और एक्सपेंस। सो शार्क्स, इंट्रोड्यूसिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट कैलकुलेटर टू हैव स्मार्ट कैलकुलेटर, जिसमें हमने 2 नई बटन कैश इन और कैश आउट लगाया है, जिसके थ्रू शॉपकीपर अपने दुकान का सारा सेल्स और एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। यही नहीं, शार्क्स हमारे नेक्स्ट वर्जन में अपनी आइटम वाइज इन्वेंट्री भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। शार्क, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये सारा जो ट्रांजेक्शन होता है ये डेटा रिकॉर्ड हो जाता है और हमारे टू हैंड्स ऐप के साथ सेव और सिंक हो जाता है। शार्क्स, इंडिया में 80% दुकानदारों के पास आज कोई बिलिंग मशीन नहीं है और ये मशीनें बहुत कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स होती हैं। हमारा टू हैंड्स स्मार्ट कैलकुलेटर इन सभी दुकानदारों के लिए किफ़ायती और बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। शार्क्स, हमारा विजन है कि टू हैंड स्मार्ट कैलकुलेटर को दुनिया के हर दुकान पर लगाना और ताकि हम शॉपकीपर को मदद कर सकें एक एक रुपये का हिसाब रखने में। सो शार्क्स, लेट्स कैलकुलेट द डील। वेलकम टू शार्क टैक। थैंक यू वरुण। थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग पिच है आपकी। थैंक यू। तो पहले तो आप तीनों अपना थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बताएं। सो शार्क्स, मैं आता हूँ यूपी के एक जिले प्रतापगढ़ से और मैंने स्कूलिंग वहीं से कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं कॉलेज के लिए मुंबई आया था एंड देन मैंने कॉलेज से ड्रॉप करके अपना पहला प्रोडक्ट बाय बाय सेलर ऐप बनाया था, जिसको बनाते वक्त मुझे ये टू एंड स्मार्ट कैलकुलेटर का आइडिया आया था एंड देन अभी हम लोग स्मार्ट कैलकुलेटर्स बनाते हैं। I come from Tamil Nadu. I have completed my education in Kongu Engineering College. It is in located in E-Road. I am a hardware guy. और मैं सत्यम हूँ, मैं कानपुर से आता हूँ और मैंने अपनी इंजीनियरिंग राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा से कंप्लीट करी है। और आपकी उम्र क्या है तीनों की? So I'm 22 right 22. now. 22? Yeah. Wow. I'm 26. And I'm 31. और CEO कौन है? मैं। और आप 22 साल के? Yeah. और ये दोनों 26 और 31 के? Yeah. ये सुनते हैं आपकी? Yeah, yeah, पूरा पूरा। अच्छा, प्रोडक्ट दिखा दीजिए। मेरा तो ऑन ही नहीं हो रहा। अब पावर ऑन पावर बटन थोड़ा दबाओ। हां, दबा के रख। दबा के रख। दबा के रखने से ऑन नहीं हो रहा। इट विल टेक टाइम। ठीक से दबाओ। स्लो है। फर्स्ट रिएक्शन नॉट गुड। हां, मेरा तो ऑन हो गया। तो बेसिकली वर्जन 3 हमारा एक प्रोटोटाइप वर्जन था। दिस इज वर्जन 3। दिस इज वर्जन 3। जैसे हार्डवेयर अभी मल्टीपल वर्जन के थ्रू जा रहा है, मेन पॉइंट यहाँ पे है कि वर्जन 3 हमारा बेस्ट मतलब स्टेबल वर्जन नहीं होएगा। ओके, वो मार्केट में प्रोटोटाइप के लिए आया था। सो अभी के लिए मैं डेमो करना चाहता हूँ कि अमन, मान लीजिए आप मिश्रा जी कि किराना की दुकान से आप सामान खरीदते हैं और आपने एक ब्रेड का पैकेट खरीदा 45 रुपीज़ का, उसके साथ दूध का पैकेट खरीदा 23 रुपीज़ का और एक दाल का पैकेट खरीदा 80 रुपीज़ का, जो फाइनल अमाउंट हुआ 148 रुपीज़ का। मिश्रा जी को बस कैश इन बटन दबाना है और वो सेल रिकॉर्ड हो जाएगा। अब अमन, आपने पे किया ऑनलाइन, तो आप मिश्रा जी को क्या करना है कि वो कैश इन बटन को दोबारा दबाएंगे तो पेमेंट टाइप चेंज हो जाएगा ऑनलाइन में और वो जैसे एंटर दबाएंगे तो ये ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगा और ये हमारे टू हैंड्स ऐप के साथ सिंक हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 148 रुपीज़। अमन तो पैसे देता नहीं, उधार लेता है, तो उधार का उधार के लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। तो मान लीजिए आपने 45 रुपए का ब्रेड खरीदा और 89 रुपीज़ का दाल खरीदा और ये उधार पे लिया है, तो वो कैश इन दबाएंगे, पेमेंट टाइप ऑनलाइन की जगह उधार कर देंगे और एंटर दबाएंगे, तो अब ये उधार उनका रिकॉर्ड हो गया। अभी आपका मान लीजिए मिश्रा जी की दुकान पे एक वेंडर आया, उसने 10,000 रुपए का सामान मिश्रा जी ने परचेस किया, उन्होंने फाइनल अमाउंट कैलकुलेट किया और कैश आउट मार के और नेक्स्ट एंड एक्स्ट्रा बटन दबाई एंड यहाँ पे मान लीजिए मोबाइल नंबर डालना होता है जो भी आपका यूजर है उसका, और ये मोबाइल नंबर अगर आपके उसमें शीट में ऑलरेडी है तो पकड़ लेगा ऑटोमेटिकली। हर यूजर का एक कस्टमर आईडी बना होता है, तो अगली बार आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, वो आईडी डालना पड़ेगा बस। तो बेसिकली आप ये बोल रहे हैं, आप कैलकुलेटर के थ्रू लेजर बना रहे हैं ऑन द गो, इज दैट राइट? जी, करेक्ट।
आपके रिटेलर्स ये सारा आपने ग्राउंड पे जाके देखा ही प्लस प्लस कैलकुलेटर की तरह यूज हो रहा है कि एक्चुअली अपना उन्होंने पूरा लेजर रिकॉर्डिंग उन्होंने इसमें शुरू कर दिया होगा? आपने देखा है कि अडॉप्शन देखा है? जी हमने अडॉप्शन देखा है। हमारा प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे वायरल चला गया था जिसपे 30 मिलियन प्लस व्यूज आए थे और 1 मिलियन प्लस शेयर्स आए थे। व्हाट डू यू मीन वायरल चला गया? देखिए ये जो चीज है ना इट हिट्स अ रियल सॉलिड पेन पॉइंट फॉर शॉपकीपर्स। इट डज। तो वो एक दूसरे को शेयर करेंगे ही करेंगे राइट, क्योंकि वो इमीडिएटली आपको कैलकुलेटर के साथ POS मिल गया तो एक बार तो लगता है कि वाओ। आप लोगों ने जब ये बनाया और किसी शॉपकीपर को दिखाया उनका क्या फीडबैक था? सर अभी तक हम लोग हर महीने 80,000 प्लस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कितने शॉपकीपर्स से? विद इन 1000 कस्टमर्स। 80,000 ट्रांजेक्शंस अक्रॉस 1000 यूजर्स इज ओनली 80 ट्रांजेक्शंस अ मंथ। अभी जो आपके 1000 रिटेलर्स या शॉपकीपर्स हैं वो कहाँ हैं और किस टाइप के रिटेलर हैं? सो हमारे पास ग्रोसरी किराना स्टोर से लेके हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स फैशन शॉप्स हैं। हमारे पास बहुत सारे छोटे क्लिनिक्स हैं, छोटे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं जिनको अपना सेल्स और एक्सपेंस ट्रैक करना है। कहाँ हैं ये? टीयर 1 सिटीज में है, टीयर 2 सिटीज? मेजॉरिटी टीयर 1 सिटीज में है अभी के लिए एंड महाराष्ट्र बीइंग फर्स्ट। ये चीज एक साधारण कैलकुलेटर में बिल्ड करना कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। 2-3 बटन आपको ऐड करने हैं। दिस इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग जो एक नए एग्जिस्टिंग कैलकुलेटर कंपनी नहीं कर सकती। ऐप पर क्यों नहीं किया है? उन्होंने हमेशा कैलकुलेशन के टूल की तरह देखा है। हम लोग उसको एज अ टूल देख रहे हैं जो उनको जो बिलिंग मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते उनको बिलिंग मशीन का एक बहुत डम डाउन वर्जन प्रोवाइड करने का। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि फोन को ऑन रखना पड़ता है, ऐप ऑन करना पड़ता है तो काफी फ्रिक्शन। तो इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट जो वेस्ट में है कि आप POS यूज करके अगर करें जी तो दैट सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम्स इन वन प्लेस। तो आप ये क्या ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी लाए हैं क्योंकि अल्टीमेटली तो भारत भी POS की तरफ बढ़ रहा है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि जैसे नॉर्मल पहले हम लोग के पास नॉर्मल वॉचेस हुआ करती थी, आज हम स्मार्ट वॉच खरीदते हैं। सिमिलरली कैलकुलेटर एक मार्केट है जहाँ पे कैलकुलेटर स्मार्ट बनेंगे क्योंकि हमारा जो इंडियन मार्केट है वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ शॉपकीपर्स कैलकुलेटर पे ही डिपेंड करते हैं। POS मशीन सर कॉस्टली और वो कॉम्प्लेक्स होती है, उसपे उसके लिए एक बंदा बैठाना पड़ता है जिसको आप सिखाना पड़ता है कि आपको इन्वेंट्री डालना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ शॉप के पास हमारे खुले में गल्ला होता है ओके, उनके पास सारा सामान का इन्वेंट्री नहीं होता, SKU डेटा नहीं होता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है इंडिया में POS को अडॉप्ट करना। हमारा ये मानना है कि जब तक वो अडॉप्शन POS अडॉप्शन आएगा मेजॉरिटी लेवल, मतलब मैं बोलूँ 50+% ऑफ पॉपुलेशन शॉपकीपर वो अडॉप्ट कर रहे हैं तब तक के लिए ये प्रोजेक्ट रहेगा। अच्छा चलो जल्दी से अपनी सेल वेल बता दो फिर। 29 लाख रुपीज अभी तक हमारा रेवेन्यू इस ईयर, मतलब हमने जनवरी में सेल करना स्टार्ट किया था जनवरी से अभी तक के लिए। और कितने का बेचते हो? 3000 रुपीज पर। और आपका बनता कितने में? 2200 रुपीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस पे लिखा 5000 है? नहीं हम लोग MRP से थोड़ा डिस्काउंट भी देते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन होता है ऐप के ऊपर। आपने ये साल जनवरी में शुरू किया जी बेचना, तो जैन में कितना हुआ, अप्रैल में कितना हुआ, जुलाई में कितना हुआ और पिछले महीने कितना हुआ? जैन में 1.5 लाख रुपए का हुआ था, जुलाई में हमारा 13 लाख रुपए का सेल था और पिछले महीने में हमारा 3.5 लाख रुपए का सेल। 3.5 तो ये गिरा क्यों? हमारा इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो हमारे पास अभी 5600 कस्टमर्स का वेटिंग लिस्ट चल रहा है जिसके थ्रू हम कस्टमर को बेच रहे हैं। तो आपने कोई पैसा वैसा नहीं उठाया था इन्वेंट्री बनाने के लिए? आप अभी तक बूटस्ट्रैप्ड हैं? नहीं हम लोगों ने फंड रेस किया था प्री सीड राउंड 55 लाख रुपीस फ्रॉम टी हब एंड अदर इन्वेस्टर्स जो लास्ट ईयर हमने रेस किया था। कितने डाइल्यूशन? इट्स अ CCD इन्वेस्टमेंट जो अभी कन्वर्ट हुआ है। क्या है? कैप नहीं था, पोस्ट मनी वैल्यूएशन पे था। कितना? 20% डिस्काउंट। और वो कन्वर्ट हो गया? हाँ अभी कन्वर्ट हो गया। तो आपने एक और राउंड रेस किया, कितना बताइए? अभी हमने सीड राउंड रेस किया है 3 CR का एट अ 29 CR वैल्यूएशन। But then why are you out of capacity? How production capacity? अगर आपने पैसे रेस किए? So production capacity हम लोग अब build कर रहे हैं। We are working with an OEM for the manufacturing of version 4. ये जो funding है ये क्या आप inventory के लिए किस क्या क्या version 4 40% inventory में जाएगा। Remaining 60% R&D and growth पे जाएगा। 55 lakhs आपके लिए enough होगा? हम लोग अभी large scale manufacturing पे जा रहे हैं तो हम लोग inventory finance का भी option देख रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा problem version 3 पे था कि हमारा supply chain बहुत unstable था। हमारे पास vendor कहाँ से बनवाते हो? अभी हम लोग खुद assemble करते हैं अपने office में। अच्छा यार। Very impressive है। Good job। अच्छा अपना ownership structure आप तीनों का क्या है? So currently I own 34%. I own 23%. I own 13%. 60-70% का हिसाब बताया। 70% का हिसाब है। ESOP पूल है 8% का। ESOP बता रहा है ना? 8% ESOP है। 8% मेरा 37% है। हाँ जी। Okay, sorry. ये आपको बनाने में 2200 रुपीस लगते हैं। Version 3 2200 लगता था। Version 3 पे 3500 के करीब कॉस्ट जाएगा। इतनी कॉस्ट है आपकी? हाँ, क्योंकि हमारे में Version 4 में आपका कलर LCD डिस्प्ले आता है। हाँ।
जैसे मॉड्यूल लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्डवेयर बिल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वर्जन 4 कितने का बेचेंगे? मैं थोड़ा इकोनॉमिक समझना चाहती हूं। 5000 रुपीस का बेचेंगे। 5000 रुपीस का आप ये बेचेंगे, 3500 की आपकी इनिशियली हम लोग को 3500 पड़ेगा, एज अ लार्ज स्केल आपका कम हो जाएगा, 1500 आपके पास बचेगा, आपकी बाकी और क्या कॉस्ट है? नहीं, ज्यादा कॉस्ट हमारी नहीं है। और आपका सब्सक्रिप्शन का कुछ पैसा लेते हैं? जी, जो शॉपकीपर्स हैं उनको हम हमेशा यूजेस फ्री देते हैं कि आप जितना यूज करना चाहो यूज कर लो। लास्ट 7 डेज का ट्रांजेक्शन आपको हमेशा फ्री दिखेगा लाइफ टाइम। उसके बाद जैसे आपको इस पूरे महीने का ट्रांजेक्शन देखना है तो आपको 59 रुपीस से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है पर मंथ। और कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं अभी? हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन वर्जन 4 से लाना स्टार्ट करेंगे। तो वर्जन 3 पे हमें बहुत सारा फीडबैक मिला था, तो हमने वर्जन 4 में क्या किया कि आप जैसे आपने मान लो पेमेंट कैलकुलेशन कंप्लीट किया, रिकॉर्ड किया, आप डायनेमिक QR शो कर सकते हैं कस्टमर को, वो उसी में परफेक्ट उतने अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं। तो निगोशिएशन जो शॉपकीपर्स का होता है ना, वो पार्ट यहाँ पे शॉपकीपर्स के लिए खत्म हो जाता है। दूसरा सबसे आज फीचर जो हमारा वर्जन 4 के लिए था कि हमारा शॉपकीपर बिलिंग करना चाहता था, तो उसको हमने आइटम आईडी और बिलिंग के थ्रू वर्जन 4 में लाया है। तो बिल इससे ही प्रिंट होगा वर्जन 4 में? वर्जन 4 में हम टाइप सी के थ्रू आप प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ के थ्रू प्रिंटर कनेक्ट करके बिल प्रिंट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा एक है कि ऑडियो कन्फर्मेशन, सो आपका जो कन्फर्मेशन ऑफ पेमेंट है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। अब तक ठीक था जी, ठीक है। अब आप बोल रहे हो आप इसमें प्रिंटर वगैरह 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 ऐड कर रहे हो, क्यूआर कोड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंटरेस्टिंग, आपने जमीन से लग के काम किया, आप दुकानदारों का दर्द समझते हो, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि देखिए फ्रंट एंड पे बिलिंग ऑटोमेशन के लिए 2-3 चीज होती है। एक होता है कैश रजिस्टर, उसमें सारी एंट्री आ जाती है, अंदर कितना गया बाहर कितना गया, एग्जैक्टली राइट। या दूसरा आ गया कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे POS। आप ये कह रहे हो कि मैं इससे नीचे भी जाऊंगा जी, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में इतनी सिंपलिसिटी चाहिए, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाऊंगा, क्योंकि आप जा तो वहीं रहे हो। हाँ, जिस तरह से आपने कहा, तो यू आर सेइंग कि ये जो मार्केट में कैश रजिस्टर POS छोड़ो, मेरा खरीदो और मैं आपको और जर्नी पे ले जाऊंगा। ये बात कुछ समझ नहीं रही है। पीओ कैश रजिस्टर का क्या प्राइस है? मिनिमम 15-30 के बीच में जाता है कैश रजिस्टर, और POS 40,000 के ऊपर जाता है। और ये पैसा देना पड़ता है कि लोग फ्री में दे देते हैं ताकि आप बिलिंग उनके उनके थ्रू करो? नहीं, पैसा देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, सिस्टम सेटअप करना पड़ता है। और मैं एक आंसर देना चाहूंगा कि जो करंट बिलिंग मशीन्स होती है ना, उसमें आपका कुछ भी ऑनलाइन नहीं है। आपका जैसे आपने सेल किया उस कैश रजिस्टर के थ्रू, आपका एक रोल निकलता है दिन के एंड पे, रिपोर्ट मिलती है, फिर उनको वो रोल करके हर दिन रखना पड़ता है अपने डिब्बे में। दिन मान लीजिए आपने पिछले महीने का सेल देखना, तो आपको पिछले महीने का रोल निकालना पड़ेगा। जो आप देखोगे ट्रू काउंट का कैश रजिस्टर होता है सबसे ज्यादा, उन्होंने आज मतलब उनमें सारा ट्रांजेक्शन ऑफलाइन ही रिकॉर्ड होता है और उसको प्रिंट आउट निकाल के रखते हैं। बट बेसिकली जो कैश रजिस्टर वालों का बिजनेस है, अगर उनका बिजनेस चल सकता है इन स्पाइट ऑफ देयर बीइंग अ POS, तो आपका भी चल सकता है। इज द हमारा मानना है कि हमारा प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस पे है। शॉपकीपर साथ देखो 10-15,000 रुपए का फोन खरीद रहे हैं, ओके, उनको स्मार्ट बनना है, उनको सबसे पहला स्टेप ये होगा कि वो स्मार्ट कैलकुलेटर लगाएं, ट्राई करें डिवाइस पे, उसके बाद वो अडॉप्ट करेंगे धीमे धीमे टेक्नोलॉजी। कोई यूज केस तो थोड़ा सा बन रहा है यार, यूज केस तो बन रहा है थोड़ा। हाँ, बट मेरी जितनी समझ है यूज केस प्राइमरीली अभी भी कैश इन लेजर के लिए है, नॉट एज अ POS है। GST इससे करेंगे? कैलकुलेशन के लिए GST उसमें अवेलेबल है। नहीं, कैलकुलेशन के लिए, पर GST के लिए अपना रिकॉर्ड निकालेंगे अगर, तो वो नहीं होगा। तो सिर्फ के ड्रॉअर में कितना पैसा अंदर बाहर का लेजर में, तो गल्ले में कितना पैसा, इट इज अ फिजिकल लेजर बुक का। हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन शॉपकीपर के लिए बहुत सिंपल है, एक एक रुपए का हिसाब रखने में मदद करता है। कहां से आया, किसने दिया, कितना दिया, किस पेमेंट टाइप से दिया, और किसी और ने नहीं बनाया स्मार्ट कैलकुलेटर अभी तक, नहीं किसी ने। अच्छा है, नॉट बैड, आई थिंक इट्स गॉट अ यूज केस। बट प्रवीण, आपने 22 साल की उम्र में जिस गहराई से काम किया है, इट्स वेरी इंप्रेसिव, वेरी कमेंडेबल। जैसे आपने दुकानदार की प्रॉब्लम्स जैसे एक्सप्लेन की है, मतलब आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो मार्केट में। लास्ट 6 इयर्स से मैं इसी प्रॉब्लम मतलब इस पे काम कर रहा हूं। हां, पहले भी इसका कंपनी था, वही कर रहा है। सो पहले हम लोग बाय बाय सेलर ऐप बनाते थे, जिसमें शॉपकीपर अपना दुकान क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन, नियर बाय एरिया में सेल कर सकते हैं। हमारे पास 7,000 शॉपकीपर थे, और मेरा काम था दुकान पे जाके उनको ऑनबोर्ड करना। तो मैंने देखा कि एक आंटी है बेंगलोर में SLV प्रोविजन स्टोर पे, वो क्या करती थी, वो पहले अमाउंट कैलकुलेट करती थी, पेपर पे लिखती थी, दिन के अंदर फिर से कैलकुलेटर यूज करके उस पेपर पे जो लिखा वो फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करती थी कि कितना आज का सेल हुआ। मुझे आइडिया है कि क्यों ना हम इसी को रिकॉर्ड कर पाए। और आपने ये कैसे सोचा टीम बनानी है? हमेशा से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि इट्स ऑल अबाउट टीम, मैं कुछ अकेले नहीं कर रहा हूँ, मेरी टीम यहाँ पे सब कुछ करती है, लाइक हार्डवेयर ये बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर ये बना रहे हैं, मैं तो सिर्फ मार्केटिंग कर रहा हूँ। ओके, मेरी 20 लोग की टीम है अभी, वो सब सबसे ज्यादा काम करते हैं, मैं तो फेस होता हूँ। सही कह रहा है, मैं भी, मेरे साथ भी यही है। आप सेल्स कैसे करते हैं प्रवीण? अभी हमारा सारा सेल ऑनलाइन ही होता है। मल्टीपल टाइम्स हम लोग का लाइक वायरल गया था प्रोडक्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल पहला इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा था, उसके बाद हमें सबसे ज्यादा इनिशियल सेल आए थे,
फिर उसके बाद एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाया तो उसके बाद सेल्स आए थे. देन फिर इसके बाद हम लोग मतलब जब भी सेल होता है तो हम कस्टमर से मिलते हैं और हमारा सारा जो कस्टमर सपोर्ट था वो इनिशियली मैं हैंडल करता था जुलाई तक. ओके, तो मुझे सारे कस्टमर पर्सनली जानते हैं और हम लोग को पर्सनल डायरेक्ट फीडबैक आते थे. गजब है यार. और क्या करेगा इसके बाद? कैलकुलेटर के बाद क्या नेक्स्ट है या कैलकुलेटर पे टर्न? अभी नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स हम लोग 1 million+ यूनिट्स मार्केट में डिप्लॉय करेंगे. अच्छा. या आई थिंक आई विल वांट टू मेक एन ऑफर. ओह, आईड लाइक टू डू 30 लाख एज इक्विटी एंड 25 लाख एज डेट एट 12% फॉर 1% द सेम फॉर हाउ मेनी इयर्स? 2 इयर्स. तो 30 crore का वैल्यूएशन हो गया भाई साहब. कैसा लगा ऑफर? इट्स अ गुड ऑफर. सो इट्स अ गुड ऑफर. ये बताओ, सबसे बड़ा आपका डिफरेंशिएटर या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी किस चीज से आएगा? अ गुड क्वालिटी हार्डवेयर एंड सॉलिड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन. देखो प्रवीण, यहां बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चलते ही जा रहे हैं. आप क्या करना चाहते हैं? चलो आई कैन आल्सो मेक एन ऑफर. ओके, एक और ऑफर आ रही है. एक बात क्लैरिफाई, ऑफर ही नहीं देने आप दे रहे. गौर करना इस बात पे. आपका सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर आएगा, लॉक इन आएगा आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू. जी, दिस विल गेट यू इन, दैट विल कीप यू देयर. आपकी गेम हम समझ चुके हैं, तो अब आप बताइए. चलो मैं ऑफर दे दूं. तो देने दे. तो आई विल मेक द सेम ऑफर एज वरुण. वी कैन स्प्लिट इट. I am very happy to join the offer. Actually, I think combined between both of us, yes, हम दोनों इस डोमेन से आते हैं. अब आपको दो फाइनेंशियल शार्क्स मिल गए हैं. एंड आई लाइक दिस प्रोडक्ट. इट्स एन इंडियन प्रोडक्ट फॉर एन इंडियन प्रॉब्लम. आपकी पार्टनरशिप में आपको ज्यादा मदद चाहिए कि सेल्स साइड ज्यादा मदद चाहिए? पार्टनरशिप विल रिक्वायर मोर एफर्ट, क्योंकि उसमें रिलेशनशिप बिल्ड ज्यादा लॉन्ग टर्म. जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. आई एम आउट. काफी आपने बोला आपको जरूरत पार्टनरशिप साइड पे है. अगर आपको ब्रांड एंड सेल्स साइड पे चाहिए होता तो I would have thought it made sense इस दंगल में पढ़ने के लिए. अच्छा. तो enjoy the दंगल. यार तू बहुत solid बंदा है. Great entrepreneurial spirit. मुझे लग रहा है कि अभी इसमें थोड़ा जैसे आपका version 4 ठीक जब तक नहीं आता ना, तब तक proof नहीं आएगा कि क्या कहाँ जा रही है ये company. लग रहा है कि आप कर लोगे. और आपके पास अच्छे ऑफर आए हुए हैं और वैल्यूएशन वो ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं आपकी. इतनी बड़ी वैल्यूएशन मैं नहीं दे सकता आपको. अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट. थैंक यू सो मच. भाई डेट वेट चाहिए तुम? डेट नहीं, प्रिफर करेंगे. काम करना है 55 लाख ले ले यार, 1.5% खत्म कर. आपको इन्वेंटरी के लिए भी पैसा चाहिए ना अभी? जी. तो वो तो आपको इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी चाहिए. तो इसीलिए हमने उसी तरह का ऑफर डिजाइन किया. एक्चुअली आपने 20% ऑलरेडी इक्विटी डाइल्यूट कर दिया. द रीजन आई वाज गिविंग डेट इज आई डोंट वांट यू टू डाइल्यूट टू मच इक्विटी. आपका प्रूफ ऑफ कांसेप्ट ही है अभी. But date too early in the process. मतलब सही बात. थोड़ा सा मतलब मैं डिले करना चाहूंगा. आप टर्म्स बेटर कर लो. बिल्कुल सही. 12 का 10% कर लो. हाँ, I'm okay with that. मत करना भाई, you are too early to take. अगर आप इक्विटी पे आना चाहें तो बेटर ऑप्शन होगा हमारे लिए. आप बिल्कुल डेट नहीं लेना चाहते? डेट अभी कैप पे. भाई चल 60 lakhs 2%. तो राधिका मील मैच द ऑफर इफ शी इज ओके. चल वो अच्छा किया. वो अच्छा. तो आपके पास दो ऑफर है. एक अनुपम का इंडिविजुअल ऑफर है 60 lakh 2% और एक है वरुण दुआ और राधिका मैम का 60 lakh 2%. जस्ट मेरा काउंटर है वरुण जी और राधिका जी और अनुपम जी आपके लिए 80 lakh rupees और 2% इक्विटी इन द कंपनी. ओह ग्रेडी ग्रेडी. 40 crore का वैल्यूएशन. योर फेयर वैल्यूएशन आपका आज की तारीख 15-20 crore विद 1000 नॉट इवन दैट मच 10-15 crore का आपका वैल्यूएशन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा. ये तो यहाँ पे इंटेंसिटी हो गई इसलिए मैंने बढ़ा दिया. बट आई थिंक इट इज अनफेयर टू गिव दैट काइंड ऑफ वैल्यूएशन एट दिस पॉइंट. तो मैं आउट होऊंगा तो दे कैन ब्रिंग डाउन द वैल्यूएशन क्योंकि वो ही राइट वैल्यूएशन है. मैं इसको बिड अप नहीं करूंगा. अगर आपका पिछला राउंड नहीं होता तो मैं ऐसे 15 crore से ज्यादा वैल्यू नहीं देती बिकॉज इफेक्टिवली ये मेरे लिए फ्री रेवेन्यू कंपनी है और आगे पैसा रेस करना मुश्किल हो सकता है. अब आपके पास एक ही ऑफर है 60 lakh 2% वरुण और राधिका. अब आप बता सकते हैं Radhika and Varun, we will have a deal. Oh, wow. Okay. Yes. Chalo, good. Awesome. Right. Good thinking, guys. We got a deal. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.